स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा टेक वीडियो में। दोस्तों आज आप इस वीडियो में कुछ नया नहीं सीखेंगे, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि IRCTC की वेबसाइट या एप्लीकेशन जब से अपडेट की गई है तब से उसमें लोगों को कौन कौन सी खामी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों सबसे ज़्यादा खामी उनको देखने को मिल रही है तत्काल में। जी हाँ दोस्तों पहले आप वीडियो ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए और सुन लीजिए। दोस्तों बहुत से लोगों को तत्काल में प्रॉब्लम होती है और बहुत से लोगों को नहीं होती है। दोस्तों अभी भी मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि लोगों का यह कहना है कि सर 11:01 या फिर 11:02 पे मतलब कि अवेलेबल का मतलब कि टिकट शो करता है बुक करने के लिए। तो दोस्तों ये है कि ऐसा नहीं है, हो सकता है उनके मोबाइल में या कुछ सर्वर में ऐसा उनके तरफ से कुछ इश्यू हो गया हो। बस दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 11:05 में जो भी सीटें तत्काल में रहेंगी वो अवेलेबल होने लगेंगी और आप इसी तरीके से बुक कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हैंग। जी हाँ दोस्तों वेबसाइट लिमिट से ज़्यादा हैंग कर रही है इसका। दोस्तों सर्वर पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा इसमें स्लो चल रहा है। रेलवे कहती थी दोस्तों कि जो पहले की वेबसाइट है उससे ज़्यादा ये फास्ट तरीके से वर्क करेगी और इसमें कभी भी सर्वर देखने को नहीं मतलब सर्वर का इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसका उल्टा ही हो रहा है। इससे बेटर तो पहले वाली वेबसाइट थी जो अपडेट नहीं की गई थी, उसमें इसे सर्वर का इशू नहीं देखने को मिलता था। वेबसाइट और एप्लीकेशन में दोस्तों दोनों में सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और दोस्तों जो इसका तीसरा प्रॉब्लम है इसके दोस्तों सर्वर में इश्यू आ रहा है। सर्वर में क्या इश्यू आ रहा है दोस्तों, अगर आप देखेंगे रात को 11:40 से लेकर 12:40 के बीच में वेबसाइटें बंद कर दी जाती है। आई मीन कि इस समय जो भी प्रोसेस रहता हो मतलब अंदर प्रोसेस रेलवे की कुछ अंदर की काम रहती है जिसकी वजह से ऑनलाइन वेबसाइटें या फिर बंद कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों कि 3 या 4 दिन से क्या हो रहा है 12:40 होने के बावजूद 1-1.5 बजे तक वेबसाइट ऑन हो ही नहीं रही है, टेक्निकल इशू उसमें दिख रहा है। और सेम दोस्तों यही प्रॉब्लम हो रहा है जब हम 4 महीने बाद की टिकट आई मीन जब 4 महीने पहले की टिकट बुक कर रहे हैं तो दोस्तों सुबह 8 बजे खुल जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है 8:01, 2 या 3 मिनट पर वेबसाइटें खुल रही है, यानी उस समय टिकट हमें शो कर रहा है। और दोस्तों आप जान सकते हैं जब उस समय ऑनलाइन शो कर रहा है लेकिन जो ऑफलाइन वाला प्रोसेस है वो चालू है, जो काउंटर से उसके टिकटें दोस्तों हर जगह बुक हो ही रही है। तो इससे दोस्तों ऑनलाइन वाले को थोड़ी बहुत दिक्कत देखनी पड़ रही है कि जैसे कोई आपको पता ही होगा मई के सीजन की भी बुकिंग चालू है तो उस समय दोस्तों जो शादी या फिर लगन नहीं हुए कोविड-19 चलता है वो सारे मई में चले गए हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों ऑनलाइन वाले को दिक्कत क्या हो रही है कि अगर उनको स्लीपर चाहिए तो स्लीपर नहीं मिल पा रहा है, उनको दोस्तों एसी या फिर कुर्सी वाली सीटें मिल रही हैं, उसका फ़ायदा रेल काउंटर वाले को मिल जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी खामी आ रही है इसकी प्रतिशत की। जी हाँ दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कभी भी अगर आप बैटिंग टिकट बुक कर रहे हैं तो IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर IRCTC की ऑफिशियल एप्लीकेशन में अगर वो चांस बता रहा है 70% या 80% तो भूल के भी ना करें। इनके दोस्तों जितने भी चांसेस हो एकदम ना के बराबर है। आई मीन अगर ये 80% चांस दिखा रहा है तो आप उसको केवल 40% समझिए, उसका 50 समझिए। अगर कोई 99% दिखा तो उसका 50% चांस समझिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा अगर आपको टिकट अगर आपको पता करना है कि ये टिकट कंफर्म हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी तो उसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है कंफर्म टिकट। जी हाँ दोस्तों कंफर्म टिकट पे आप 70% से ऊपर 80% से ऊपर का चांस दिखा रहा है दोस्तों आप आँख बंद करके टिकट बुक कर लीजिए, आई मीन एकदम बिंदास होकर आप टिकट बुक कर लीजिए, 100% कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन IRCTC की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन देख के आपको टिकट नहीं बुक करना है क्योंकि इसमें जो इनके चांसेस दिखाते हैं कि 80% 90% वो बिल्कुल ही रॉन्ग रहते हैं। दोस्तों उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ देर पहले ही मैंने 1 महीना पहले मैंने दोस्तों उस समय वेबसाइट से देख के टिकट बुक किया था। दोस्तों हमको RLWL का 1 और 2 बैटिंग मिला हुआ था जो कि उन्होंने उसमें बोला था कि 99% चांसेस से कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों कंफर्म नहीं हुआ। सो दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा ऐसी गलती आप नहीं करें, अगर आप बैटिंग टिकट बुक करें तो कंफर्म टिकट एप्लीकेशन का यूज जरूर करें। और दोस्तों इसमें एक और सबसे बड़ी खामी यह देखने को मिल रही है कि चार्ज प्रीपेड हो जा रहा है उसके बाद भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे चार्ज नोट प्रीपेड का स्टेटस आ रहा है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों इतनी सारी खामियां देखने को अभी भी वेबसाइट पे मिल रही है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।